बारिश के कम होने के कारण हमीरपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और गर्मियों के दिनों में किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उपायुक्त राकेश प्रजापति ने हमीरपुर जिला में जन जनित रोगों से बचाव के लिए आम जनमानस को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष जागरूकता अभियान आरम्भ करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि आईपीएस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही पेयजल भंडारण टैंकों में पानी के सैंपल नियमित तौर पर लिए जाएं। इसके साथ ही पारंपरिक पेयजल स्रोतों की भी समय-समय पर जांच की जाए ताकि जन जनित रोगों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। सरकार की तरफ से एक आदेश आया हुआ है कि चूंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बारिश थोड़ी कम हो रही है, तो उसके मद्देनजर जो हमारी तैयारी है ड्रॉट को वो करने के लिए, लड़ाई उनसे फाइट करने के लिए, तो उसमें आज जो फैसला लिया गया है कि जो हमारे आईपीएच की स्कीम्स हैं लगभग 169 है टोटल जो फंक्शनल है इस वक्त, अभी तक कहीं पे भी नॉन फंक्शनल रिपोर्ट है नहीं। पहले तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये स्कीम्स चलती रहें। इन स्कीम्स पे चलने के अलावा हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे भी अगर पानी की ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है तो टैंकर्स के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि जॉन्डिस के शिकायत आने की उम्मीद है तो हमने आईपीएच विभाग को भी आदेश दिया है कि आप अपने जितने भी टैंक्स हैं उनकी सफाई करें, क्लोरिनेशन करें, और साथ ही साथ आम जनता को, हमने स्कूलों को और हमारी आंगनवाड़ीज को सीएमओ के माध्यम से भी और सभी ऑफिसर जिनकी जो मीटिंग में उपस्थित थे उनके माध्यम से आदेश दिया गया है कि हर जगह ये मैसेज फैलाया जाए कि लोग पानी को बॉयल करके ही पिए ताकि जो बीमारियां हो सकती हैं उनसे बचा जा सके। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने इस बार में रहते ही सूखे और पेयजल किल्लत से निपटने के लिए फरमान जारी किए हैं, जिसके चलते ही जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर बैठकों का आयोजन करके तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि इस में रहते ही बचाव हो सके।